अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। एंड वेलकम बैक टू माय चैनल, आई एम फैजनाज। और आज मेरे हबी मेरे साथ बैठे हुए वॉइस ओवर करने के लिए, ही विल हेल्प मी। ठीक है, तो आज हम जा रहे हैं रोड ट्रिप पर, विच इज़ इन द डे टाइम। और लास्ट वीडियो जो मैंने अपलोड की थी उसमें मैंने रात के टाइम की जो है वो आप लोगों के साथ शेयर की थी, रोड ट्रिप यू कैन से के लॉन्ग ड्राइव। और आप लोगों को बताती चलूँ, अगर आप लोगों का प्लान है न्यूयॉर्क आने का, और अगर आप लोग न्यूयॉर्क आना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो न्यूयॉर्क के 5 बोरो हैं, स्टेटन आइलैंड, ब्रुकलिन, ब्रॉन्क्स, मैनहट्टन और क्वींस। मैनहट्टन जो है मोर टूरिस्ट एरिया है, जहाँ पे सारी हाई राइज और हाई स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग्स हैं, जहाँ पे दुनिया का टूरिज्म जो है मैनहट्टन के अंदर ही आता है। क्वींस, ब्रॉन्क्स, ब्रुकलिन, स्टेटन आइलैंड, दीज आर मोर रेजिडेंशियल एरियाज, जहाँ पे हाउसेस आपको मिलेंगे और रेजिडेंशियल एरिया है। और मैनहट्टन जो है ज़्यादातर जो है टूरिस्ट स्पॉट है, सारा दुनिया की इकॉनमी आप सह लेंगे मैनहट्टन से ही चलती है, सारी हाई स्क्रैपर्स, हाई राइज बिल्डिंग्स और सारी चीज़ें जो हैं ये तकरीबन मैनहट्टन के अंदर ही हैं। आसान अल्फाज में आपको समझाऊं तो जैसे कि अमेरिका की जान है न्यूयॉर्क और न्यूयॉर्क की जान है मैनहट्टन, ये आप ये कह सकते हैं। अगर आपका इन फ्यूचर, आप लोग जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हॉलीवुड और बॉलीवुड्स में देख रहे होते हैं और जो फायरवर्क्स होता है न्यूयॉर्क पे, वो सब चीज़ें मैनहट्टन से ही शुरू होकर मैनहट्टन में ही ख़त्म होती हैं। तो आज हम जा रहे हैं मैनहट्टन की तरफ, तो वीडियो में साथ रहिएगा, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको दिखाएंगे। टाइम स्क्वायर जो स्पेशल जो है स्पेसिफिक है मैनहट्टन में, और बहुत सारी ऐसी स्ट्रीट्स हैं, तो वहाँ आपको ले चलेंगे अलॉन्ग विद माई हस्बैंड। और जहाँ जहाँ मुझे प्रॉब्लम होगी आप लोगों को समझाने के लिए, वहाँ मेरे हस्बैंड मेरा साथ देंगे, आपको समझाएंगे। होपफुली यू विल इन्जॉय विद अस इन द वीडियो। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप लोगों को पता है क्या करना है, तो वीडियो पूरी देखिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को अच्छी लगेगी। तो अभी हम लोग जा रहे हैं कहाँ? मैनहट्टन की तरफ। ये as you can see that we are right now on the Queensboro Bridge upper level, so this bridge is connect basically Manhattan and Queens. हाँ, तो मेरे हस्बैंड को ज़्यादा मुझसे नॉलेज है इन सब चीज़ों के बारे में, क्योंकि मुझे स्पेशली ऐसा लगता है कि बहुत सारे ब्रिज ऐसे हैं यहाँ पर जो एक जैसे ही लगते हैं, तो इसलिए मैं उनका नाम भूल जाती हूँ। तो मेरे हस्बैंड को ज़्यादा जो है वो नॉलेज है, तो इस वजह से उनकी हेल्प लेनी पड़ रही है। तो वो अब बताएंगे ये कौन सा ब्रिज है। ये 59 ब्रिज भी कहलाता है और क्वींसबोरो ब्रिज भी कहलाता है। ये ब्रिज मैनहट्टन और क्वींस को कनेक्ट करता है। इस ब्रिज के थ्रू हम जो है मैनहट्टन के अंदर इंटर होंगे। ये हमारे सामने सेंट्रल पार्क वेस्ट है, दुनिया का सबसे बड़ा पार्क है विद इन द सिटी लिमिट्स। ठीक है, और ये राइट साइड पर आप देख सकते हैं सेंट्रल पार्क है। अभी हम फिफ्थ एवेन्यू की तरफ जा रहे हैं। ये फिफ्थ एवेन्यू है जहाँ पे दुनिया के सबसे मशहूर और फेमस ब्रांडेड स्टोर है। ये हमने यहाँ पे टर्न लिया, ये राइट साइड पर सारा सेंट्रल पार्क दिख रहा है आपको। ठीक है, अभी हम कोलंबस सर्कल की तरफ जा रहे हैं जहाँ पे टाइम वार्नर सेंटर है। और ये सामने देख लें प्लाजा होटल है, दुनिया का सबसे बड़ा होटल है प्लाजा होटल। और ये सामने जो है अब टाइम वार्नर सेंटर है कोलंबस सर्कल के पास। यहाँ से होते हुए हम टाइम स्क्वायर की तरफ जाएंगे।
ये जो टॉल्स बिल्डिंग दिख रही हैं ये कहलाती हैं टाइम वार्नर सेंटर, और ये हम ये कोलंबस सर्कल के पास है, और ये जो आप स्टेचू देख रहे हैं ये क्रिस्टोफर कोलंबस जिसने अमेरिका दरियाफ़ किया था, इसी वजह से इस एरिया को कोलंबस सर्कल कहा जाता है। राइट साइड के ऊपर एक ब्लैक कलर की बिल्डिंग है जो ट्रम्प टावर है, ठीक है, अमेरिका अमेरिकन प्रेसिडेंट का जो एक घर है इधर, और ये हम ये वाली ये कोलंबस सर ये ब्लैक वाली बिल्डिंग जो है ट्रम्प टावर है, ठीक है, और ये पूरा एरिया जो कहलाता है कोलंबस सर्कल कहलाता है, वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव अपार्टमेंट इन दिस एरिया ट्रम्प जो रहता है यहाँ पर। ये कोलंबस सर्कल से होते हुए हम टाइम स्क्वायर की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, आप लोगों को एक बात बताता चलूँ, टाइम स्क्वायर का नाम टाइम स्क्वायर क्यों पड़ा, क्योंकि यहाँ पे न्यूयॉर्क टाइम्स की बिल्डिंग थी, ठीक है, इसी वजह से दे नेम आफ्टर दिस एरिया टाइम स्क्वायर, ठीक है, तो व्हिच इज वेरी फेमस इन न्यूयॉर्क। यस, इट्स वन ऑफ द फेमस वर्ल्ड बेस्ट न्यूज़पेपर न्यूयॉर्क टाइम्स। ये आप देख रहे हैं कुछ बिल्डिंगे जो ऑन योर राइट साइड, ये सारा ब्रॉडवे थिएटर डिस्ट्रिक्ट कहलाता है, यहाँ पे लाइव थिएटर शोज होते हैं, ठीक है, बट अभी ड्यू टू द पेंडेमिक एवरीथिंग इज क्लोज, इवन दो टाइम स्क्वायर हैज़ बीन शट डाउन। सी एज यू कैन सी देयर इज अ बैरियर, टाइम स्क्वायर कम्प्लीटली शट डाउन, किसी को अलाउ नहीं है जाने का बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक, सो वी हैव नो चॉइस टू टर्न द कार एंड नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स द हडसन रिवर। हम हडसन रिवर के पास आ चुके हैं, और ये हडसन रिवर हमारे राइट साइड के ऊपर है, और हडसन रिवर के क्रॉस जो है न्यू जर्सी है, ठीक है, और जहाँ से फेरीज चलती हैं और क्रूज शिप का पोर्ट इधर आता हुआ है जहाँ पे क्रूज शिप आते हैं बड़े बड़े, ठीक है। ये हडसन रिवर से हम होते होते डाउनटाउन की तरफ जाएंगे जहाँ पे स्टेचू ऑफ लिबर्टी है, ठीक है। ये अभी हम स्टिल वी आर ऑन द हडसन रिवर ऑन द राइट साइड, एज यू कैन सी दैट देयर इज अ रिवर एंड देन क्रॉस द रिवर देयर इज अ न्यू जर्सी, और ऑन द लेफ्ट ये चेल्सी पियर है, यहाँ पे भी गेम्स वगैरह होते हैं, ठीक है, पियर एक छोटी सी पियर है, ठीक है, जहाँ पे लोग स्पोर्टिंग इवेंट्स वगैरह होते हैं, और ये लंबी सी बड़ी सी टॉल बिल्डिंग जो आपको दिखी अभी, ठीक है, ये है ग्राउंड ज़ीरो, ये आपको एक बड़ी सी बिल्डिंग जो दिख रही है ये है ग्राउंड ज़ीरो, जो कि यहाँ पे पहले वर्ल्ड ट्रेड सेंटर था एग्जैक्टली, ठीक है, ये अब इस बिल्डिंग का इस एरिया का नाम हो गया है ग्राउंड ज़ीरो। अभी हम जब जैसे क्लोज पहुँचेंगे तो आपको अच्छा व्यू दिखेगा, ठीक है, और वी आर गेटिंग क्लोज टू द ग्राउंड ज़ीरो नाउ, ठीक है। इस एरिया को वेस्ट साइड हाईवे भी कहा जाता है, ठीक है, इट इज़ अ वेस्ट पार्ट ऑफ द मैनहट्टन, ठीक है, जो मैनहट्टन को न्यू जर्सी से कनेक्ट करता है।
अच्छा तो साथियों ये आ गया है ग्राउंड जीरो, जो कि पहले वर्ल्ड ट्रेड सेंटर था, अब ये जो है वो ग्राउंड जीरो बन चुका है, नई बिल्डिंग बनी है और इसका नाम ग्राउंड जीरो है। तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर आप लोगों को पता है उसकी हिस्ट्री, बहुत सारे लोग जो है अमेरिका को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के उससे याद भी करते हैं, और 9/11 जिसके बारे में सभी जानते हैं। तो एनीवेज ये जो है बिल्डिंग बहुत ही खूबसूरत है, और इसके सराउंड जो भी बिल्डिंग्स आप देख रहे हैं विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल, और ये म्यूज़ियम भी बना दिया गया है यहाँ पर एक, जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में डेथ हुई थी और जो मतलब चीज़ें हुई थी उस हादसे में, तो उससे तो उस चीज़ों से रिलेटेड काफ़ी सारी इस म्यूज़ियम में चीज़ें हैं। सो एनीवेज ये तो हो गई यहाँ के बारे में एक बात, तो होपफुली यू विल इंजॉयिंग द वीडियो, और वीडियो जो है वो काफ़ी लंबी होती जा रही है और मेरे बच्चे काफ़ी शोर कर रहे हैं पीछे, तो रियली थैंकफुल टू माई हस्बैंड के उन्होंने काफ़ी अच्छे से बताया। तो मेरे ख़्याल से स्टेचू ऑफ लिबर्टी जो कि एक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट प्लेस है और जिसको दुनिया के अजूबात में से एक अजूबा कहा जाता है, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन वो मैं आपके साथ इस वीडियो में नहीं, इसी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में शेयर करूँगी, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई, आप लोग बोर हो रहे होंगे। अभी फ़िलहाल आप लोग इतना ही इन्जॉय कीजिए, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट जब इसका आएगा तो उसमें मैं आपको दिखाऊँगी कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो कि दुनिया के एक अजूबे में से एक है और 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहलाता है। तो अभी फ़िलहाल आप मैनहट्टन की इस बड़ी बड़ी बिल्डिंग और खूबसूरत बिल्डिंगों को आप देखिए, इन्जॉय करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो तक, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह।